नमस्कार दोस्तों, समृद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सिंगल कलर में एक बहुत ही आसान डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स के भी स्वेटर में डाल सकते हैं और बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन पे भी डाल सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमने इस पर 26 फंदे डाले हैं और फंदे डालने के बाद हमने इसमें 2 राउंड उल्टा बुनाई किया है। सामने साइड से भी हमने उल्टा बुनाई किया है और पीछे साइड से भी हमने इसमें उल्टा बुनाई किया है। और उसके बाद डिज़ाइन हमें कैसे डालना है, तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। पहले फंदे को हमने इस तरह से धागा पीछे करके उल्टा बुन लिया है और 2 फंदों को हमें उतार लेना है इस तरह से। 1 2 2 फंदों को उतार करके धागा को हम इस तरह से सामने कर लेंगे। इसमें फंदों की बुनाई नहीं होगी, केवल धागा आगे और पीछे करना है। ये धागा हमने आगे कर लिया और ये 2 फंदे हमने फिर से इस तरह से उतार लिया, इस तरह से उतार लिया और ये धागा हम फिर पीछे कर देंगे इस तरह से। ये धागा बहुत टाइट नहीं खींचेंगे, ये धागा ढीला रखेंगे इसे हम। और फिर 2 फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे और ये पीछे का धागा हम इस तरह से फिर सामने कर लेंगे। और ये 2 फंदे हमने उतार लिए, धागा हम इस तरह से पीछे कर दिए, ये धागा पीछे कर दिए और इस तरह से 2 फंदे हमने उतार लिए, धागा हम फिर से सामने कर लिए और 2 फंदे उतार लिए। धागा सामने, फंदे उतारने के बाद हम धागा इस तरह से पीछे कर देंगे और धागा पीछे करने के बाद इस तरह से हम 2 फंदे उतार लेंगे। ये डिज़ाइन इसी तरह से बनता जाएगा, ये बीच में 2 चैन बनती जाएंगी और इस तरह से यहाँ बीच में फंदे हम आगे पीछे, धागा हम आगे पीछे करते जाएंगे इस तरह से। देखिए, हमने धागा पीछे कर लिया और इस तरह से ये डिज़ाइन बनते जाएंगे। इसमें हमें बुनाई नहीं करना है, ये हम सीधे साइड से डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से हमने धागा पीछे कर लिया और लास्ट का फंदा हम बुन लेंगे। हमें पहला फंदा यहाँ बुन लिया और यहाँ लास्ट का फंदा बुन लिया और बाकी फंदों को हमने बुनाई नहीं किया। और पीछे साइड से सभी फंदों को हम धागा सामने करके बुन लेंगे। और ये जो हमने फंदा, लास्ट फंदा जो हमने बुना हुआ था, इसे हम नहीं बुनेंगे, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे और बाकी सभी फंदों को हम बुन लेंगे। धागा सामने करके हमें उल्टा बुनाई करना है पीछे साइड से। पीछे साइड से हमें कोई फंदे नहीं उतारने हैं, सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे पीछे साइड से। और अब हम सामने साइड आ गए। देखिए, इसी तरह से ये डिजाइन बनता जाएगा। एक बार हम और आपको बता दें, पहला फंदा हमने उतार लिया,
पहला फंदा हमें पीछे साइड से उतार लेना है, इसे बुनना नहीं है, इसे हमने खोल दिया है, पीछे साइड से उतार लेना है और सामने साइड से हमें यह फंदा बुनना है इस तरह से। पहला फंदा हमने बुन लिया और दो फंदा हमें इस तरह से उतार लेने हैं। डिजाइन बनाते समय पहला फंदा और लास्ट का फंदा बुना जाएगा और बाकी फंदे हम उतारते चले जाएंगे और धागा आगे पीछे करते रहेंगे। देखिए धागा हमने सामने कर लिया, ये दो फंदों को, ये पहला फंदा हमने बुन लिया, दो फंदों को हमने नहीं बुना है। इस तरह से दो फंदे हम उतार लिए और धागा पीछे कर लिए और दो फंदों को हमने उतार लिया, फिर धागा हमने सामने कर लिया, फिर दो फंदों को हमने उतार लिया और धागा पीछे कर दिया। हमें सभी फंदों को इसी तरह से उतार लेना है। देखिए ये हमने धागा सामने कर लिया, दो फंदों को हमने उतार लिया, लास्ट फंदा बचा ये, इसे हम बुन लेंगे और पीछे साइड से हम ये लास्ट फंदा और ये पहला फंदा है तो इसे हम उतार लेंगे, इसे हम नहीं बुनेंगे। देखिए ये हमने उतार लिया, इसे हम नहीं बुनेंगे और बाकी सभी फंदों को हम बुन लेंगे धागा सामने करके। ये पूरी डिजाइन इसी तरह से बना हुआ है। ये उल्टे साइड से हम सभी फंदों को बुन लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा उल्टे साइड की बुनाई अब कंप्लीट हो रही है और ये लास्ट का फंदा है, इसे हम उतार लेंगे, इसे हम नहीं बुनेंगे। और जब सीधे साइड से बुनाई करेंगे तो लास्ट का फंदा, ये लास्ट का फंदा और ये पहला फंदा, ये दोनों बुना जाएगा और बाकी फंदों को हम उतार लेंगे और धागा आगे पीछे करते हुए बुनाई करेंगे। दोस्तों ये हमारा बुनाई डिजाइन इसी तरह से कंप्लीट होगा। दोस्तों इसी डिजाइन को हमने दो कलर में भी डाला है, ये इस तरह का बना हुआ है, आप अपनी पसंद के कलर से बनाइए। दोस्तों यदि हमारी ये डिजाइन आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल समृद्ध क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपको हमारी और भी वीडियो देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसमें भी हमारी और वीडियो देख सकते हैं। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए डिजाइन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।